अब बहुत साल पुराना सपना सभी लोगों का पूरा हुआ है। 5 अगस्त के दिन अयोध्या राम मंदिर की नींव पड़ गई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार के दिन अयोध्या में हुए भूमि पूजन के बाद एक ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वो कभी क्रूरता प्रकट नहीं हो सकते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राम सत्य है बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त तरीके से वार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम ये बहुत पहले ही कहते आए हैं, यह सद्बुद्धि उस वक्त ही आ जानी चाहिए थी जब यहाँ पर कुछ लोगों के पूर्वजों ने रामलाल की मूर्ति हटाने की कोशिश की थी। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पहली बार भारतीय सेना ने अपनी महिला सैनिकों को तैनात किया है। असम राइफल्स की महिला सैनिकों को उत्तर कश्मीर में LOC से सटे कुपवाड़ा में तैनात किया गया है। ये तैनाती उस वक्त की गई जब भारत और चीन की सेना आमने सामने है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CBI जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस बात की जानकारी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दी गई। कोरोना काल के बीच मारुति सुजुकी एस क्रॉस पेट्रोल को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। देखा जाए तो ये ना तो फुल SUV है और ना ही कार है, बल्कि ये दोनों का मिक्स है। इसके साथ ही इसके नए फीचर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। कोरोना काल के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में लगने वाले लॉकडाउन ने कंपनियों के कामकाज और कर्मचारियों की संख्या को प्रभावित किया है। यही वजह है कि पिछले 5 महीनों में सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं देश के सर्विस सेक्टर में जुलाई महीने के वक्त भी गिरावट रही थी। लेबनान के बैरूत में हुए दिल दहला देने वाले धमाके के बाद PM हसन दिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे खतरनाक वेयर हाउस बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर हेमा मालिनी ने ऑडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन सभी भारतीय वासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हेमा मालिनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भगवान राम करोड़ों भारतीय वासियों की आस्था के महानायक है। आयरलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में भले ही इंग्लैंड हार गई, लेकिन टीम के कप्तान इयान मॉर्गन ने इतिहास रचा है। उन्होंने सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के मारने वाले कप्तान का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। Instafeed.